दोस्तों यार, अगर आप एक DSLR लेना चाहते हैं या फिर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, वो है भाई DSLR को यूज़ करना। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, साथ ही साथ करके दिखाने वाला हूँ कि आप जब भी फर्स्ट टाइम DSLR लेते हैं तो आप उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं, कैसे आप वीडियो को उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम आप DSLR को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ लाइव प्रूफ आपको करके दिखाने वाला हूं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, हमेशा की तरह देखना है इस वीडियो को लास्ट तक। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यार, ये है मेरा कैनन का कैमरा, आप लोग देख सकते हैं। अब यार, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी काम करना होगा। यहाँ पे आपको एक लेंस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी लगती है, और आपको यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे लेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो यार देखो, यहाँ पे आपको लेंस लगाने के लिए इस ढक्कन को सिंपल ऐसे ओपन करना है। उसके बाद आपको इस लेंस का एक ढक्कन ओपन करना है, ये वाला जो पीछे की तरफ है जिसमें कैनन लिखा है, तो आपको इसको भी यार खोल लेना है। अब देखो यार, मैं खोल लेता हूँ जल्दी से। तो आप लोग भी यार ये ढक्कन लेंस का खोल लीजिएगा और कैमरा का ढक्कन खोल लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, जैसे ही आप लोग खोल लेते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग अपना जो लेंस है वो अपने कैमरे में आप सेट कर लीजिएगा। कैमरा में लेंस सेट करने के लिए आपको देखिए एक वाइट कलर का है, और आपको कैमरा में भी एक वाइट दिख रहा होगा और लेंस में आपको एक वाइट दिख रहा होगा। तो जो दोनों वाइट से आपको सेम मिलाना है, आप लोग देख सकते हैं वाइट वाइट को सेम मिलाना है लेंस लगाने के लिए। अब आप लोग जैसे यहाँ पे मिला लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पे रोटेट कर देना है, थोड़ा मतलब मोड़ देना है। आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चारों तरफ देख लेना, बराबर से बैठा कर आपको इतना मोड़ देना है। बस ये जो आपका लेंस है ये पूरी तरह से अब लग जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बैटरी फिट करनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से। तो आपका यहाँ पर बैटरी लगाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक पोर्ट मिलेगा, तो आपको इसको दाब के उठाना है तो ये खुल जाएगा बॉक्स। तो अभी आपको यहाँ पर एक बैटरी फिट करनी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड भी आप फिट कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप लोग खरीद कर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आपको बैटरी लगाने के लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने बैटरी यहाँ पे ला लेना है। उसके बाद आप लोग नीचे देखिए, आपको चार पोर्ट दिख रहे होंगे जहाँ पर एक बैटरी जहाँ पर लगेगी वहाँ पर आप लोग देखिए, अभी अंदर आपको एक दिख रहे होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग कुछ वो देखिएगा, और आप बैटरी में जो ये चार पोर्ट है आप लोग देख सकते हैं, उस वो और ये मिला रहना चाहिए, एकदम सेम वहीं पर लगना चाहिए। तो आप लोग वहाँ पे करके एक बैटरी ऐसे करके लगा लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद थोड़ा यार यहाँ पे दाबिएगा अपनी बैटरी को, उसके बाद बैटरी आपकी आप फिट हो जाएगी। तो आपको इसको बंद कर देना है। अब यार अगर आप लोग इतना कर दे लेते हो, लेंस लगा लेते हो और बैटरी लगा लेते हो, तो अब आपका जो DSLR है वो पूरी तरह से ऑन होने के मूड में हो चुका है। तो यार ऑन करने के लिए आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लेंस लगा लिए, बैटरी लगा ली, उसके बाद आपको सिंपल अब कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक बटन्स आपको दिखेगी, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी वैसे तो बटन्स हैं, लेकिन आपको ऊपर में कुछ हाईलाइटेड बटन्स दिख रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑफ ऑन एक वीडियो मोड का ये वाली बटन से, आपको इस वाली बटन को आपको ऑन पे करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग ऑन पे करते हैं तो ये आपका DSLR जो है वो ऑन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा DSLR जो है वो ऑन हो चुका है। तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना जानते हैं तो, अगर आप नहीं जानते तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है। आपको देखिए ये बटन आपको दिख रही होगी, आपको इस पर ऑटो फोकस पे लाना है, ठीक है। ये लिखा होगा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो फोकस पे ला के यहाँ पे आप लोग ओके कर दीजिएगा। ओके आप लोग जैसे ही करते हैं तो आपको एक बटन दिखेगी ये वाली, आपको इस बटन को क्लिक करना है। अब आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो DSLR है वो ऑन हो जाएगा और फोटो क्लिक करने लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे ढक्कन लगा रहेगा, तो आपको इसको निकाल लेना है। आप उसको जैसे ही निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका जो DSLR है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है, और अब आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप DSLR को जूम करके फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, तो DSLR जूम करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए लेंस में एक रहेगा, आपको यही कि थोड़ा मोड़ना है। आप लोग देखिए यहाँ पर जूम हो जाएगा, ठीक है। अब आपका DSLR जूम में चला गया, तो आप अभी फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए फ़ोटोज़ क्लिक करने का आपको एक बटन्स का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देखिए DSLR में आपके एक बटन्स होगी। आप लोग ऊपर जब जाएंगे तो आपको एक बटन्स दिखेगी, आप लोग देख सकते हैं
ये बटन से फोटोज क्लिक होता है और आपको उसी के नीचे एक बटन दिखेगी जो कि वो ब्राइटनेस तेज और लो करने के लिए, तेज करना चाहते हैं लो करना चाहते हैं, और आप उस बटन से आप फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए फोटोज क्लिक करने के लिए आपको वही बटन दाबना है जो पहले थी आपको दिखाया मैं, उस वाली बटन को आप जैसे ही दाबते हैं तो फोटोज आपका क्लिक हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं जैसे जैसे दाब रहा हूँ फोटोज क्लिक हो जा रहा है। अब मान लीजिए आप फोटोज देखना चाहते हैं तो आप दो बटन से आपको यहाँ पे ये वाली बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग अपना फोटोज देख सकते हैं जो आप क्लिक किए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बेसिक है जो आप कैमरा को यूज करके भाई अपना फोटोज शूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप वीडियो अगर आप शूट करना चाहते हैं अपने DSLR से तो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शूट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे आप ऑन किए थे यहीं पे आपको वीडियो मोड में कर देना है, ठीक है, इस बटन को। उसके बाद आपका जो ये वीडियो मोड में आपका कैमरा आ जाएगा तो आप यहाँ पे जूम कर लीजिएगा, जूम करना आपको मैं बता दिया हूँ। अब मान लीजिए मुझे रिकॉर्ड करना है तो आपको एक बटन से दिखेगी, आपको यही बटन क्लिक करना है, ठीक है, ये वाली बटन, आपको ये वाली बटन यहाँ पे दाब लेना है। आप जैसे ही दाबते हैं आपका जो DSLR का रिकॉर्डिंग होगी वो ऑन हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग होने लगा। तो ये अभी DSLR में अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बंद करना है तो आप फिर से यही बटन दाबेंगे तो ये रिकॉर्डिंग आपकी बंद हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप वही जो रिकॉर्ड किए अगर आप वो देखना चाहते तो आप देख सकते हैं जहाँ से आप फोटोज़ देखते हैं। अभी अगर आपका कुछ भी नहीं काम है तो आप यहाँ पे ऑफ करके अपना कैमरा जो है वो बंद करके रख सकते हैं। बाकी यही कुछ बेसिक है जिससे आप फॉलो करके आप अपना DSLR को यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट टाइम जब आप न्यू लेते हैं। अब दोस्तों यार उम्मीद करता हूँ आप यार DSLR को फर्स्ट टाइम कैसे यूज़ करें आप सीख गए होंगे, और आप अब जब भी DSLR लें या फिर आप ले चुके हैं तो आप उसको अब चला पाएंगे और फोटोज़ वीडियोज़ दोनों अब क्लिक कर पाएंगे आप बिल्कुल यार इजीली तरीके से। मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही ना तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और भाई चैनल पे अगर आप नए आए हो या फिर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो भाई चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोज़ आपको आगे बनाऊँ तो आपको मिल सके सबसे पहले और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।